नगर परिषद की साधारण सभा में जोनल प्लान का प्रस्ताव पारित होने के बाद भी अब तक प्लान का डीएलबी से अनुमोदन नहीं हो पाया है। जोनल प्लान अनुमोदन के अभाव में ब्यावर नगर परिषद राज्य सरकार के पट्टा वितरण अभियान के लक्ष्यों में पिछड़ रहा है। जोनल प्लान अनुमोदन के अभाव में ब्यावर नगर परिषद अजमेर संभाग में अभी 7वें स्थान पर चल रहा है। मार्च 2023 तक चलने वाले पट्टा वितरण अभियान के तृतीय चरण की समीक्षा को लेकर गुरुवार को संभागीय पर्यवेक्षक भवानी सिंह चारण नगर परिषद पहुंचे। परिषद आयुक्त के किसी बैठक में भाग लेने जाने के कारण चारण ने एटीपी कमल शेखावत से अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद की ओर से पट्टा विहीन परिवार के करवाए गए सर्वे तथा जोनल प्लान के अभाव में अटके पट्टों के बारे में जानकारी लेते हुए चर्चा की। इस दौरान संभाग पर्यवेक्षक भवानी सिंह चारण ने बताया कि ब्यावर नगर परिषद में लंबे समय से आयुक्त का पद रिक्त होने तथा सभापति को लेकर चल रही न्यायालय की प्रक्रिया के कारण पट्टा वितरण लक्ष्य में पिछड़ी नगर परिषद वर्तमान में संभाग में 7वें स्थान पर है। ब्यावर नगर परिषद के 10,000 पट्टे वितरण के लक्ष्य के मुकाबले अब 3,000 पट्टे ही वितरित कर पाई है। चारण ने बताया कि परिषद की ओर से पट्टा वितरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन जोनल प्लान अनुमोदन के चलते काम में शिथिलता आई है। डीएलबी को भेजे गए जोनल प्लान में रही कुछ खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश के बाद परिषद की ओर से खामियों को दुरुस्त कर पुनः डीएलबी को भेजा गया है। संभवतया एक या दो दिन में जोनल प्लान का अनुमोदन हो जाएगा, जिसके बाद पट्टा बनाने तथा वितरण के काम में तेजी आ जाएगी। चारण ने बताया कि पूरे अजमेर संभाग में सर्वे के दौरान 92,000 परिवार पट्टा विहीन चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 52 में 6,000 से अधिक परिवार है। संभाग पर्यवेक्षक चारण ने बताया कि जोनल प्लान के अनुमोदित होते ही परिषद अपना लक्ष्य पूर्ण कर लेगी। ब्यावर नगर परिषद 7वें नंबर पर है, पर चूंकि इसका कारण यहाँ की जो जोनल प्लान है उसको अनुमोदन किया जाना है, जो इन्होंने बना करके बीच में क्या चेयरमैन का पद खाली था, इनकी मीटिंग ही नहीं हुई, उसके बाद इन्होंने उसको अनुमोदन करवा लिया। अब अपनी यहाँ जो इनकी जो जीसीए में अनुमोदन करवा करके अब इसको इन्होंने डीएलबी में भेज दिया। डीएलबी ने सीटीपी को भेजा है, सीटीपी ने कुछ क्वेरी इनसे की थी उसका मॉडिफिकेशन करके और ये वापस सीटीपी को भेज रहे हैं। कल सीटीपी ऑफिस में चला जाएगा और उसके बाद में यह है कि लगभग 2-3 दिन में ये जोनल प्लान मंजूर हो जाएगा, तो उसके बाद ब्यावर नगर परिषद भी 10,000 पट्टे जारी कर देगा। जोनल प्लान मंजूर होगा, जो मास्टर प्लान भी जोनल प्लान है, क्यों दोनों उसी में मिक्स है, क्यों समझिए, तो वो जो अनुमोदन हो जाएगा तो उसके बाद इनके पट्टे जारी हो जाएंगे और उसके बाद इनके कार्य में गति आएगी। क्यों, ठीक है, क्यों ब्यावर नगर परिषद क्या शुरू में यहाँ कमिश्नर के पद खाली रहे, क्यों, और इस कारण से भी शुरू से नगर परिषद पिछड़ती रही। अब चूंकि वहाँ पर यह है कि जो ईओ को एडिशनल चार्ज दिया है और वो काम कर रहा है, उस हिसाब से इन लोगों ने आश्वस्त किया अभियान का ये कौन सा, तो इसलिए यह है कि अब ब्यावर नगर परिषद अभी 2-3 महीने में ठीक काम कर रही है। आने वाले भी जोनल प्लान के कारण काफ़ी पट्टे अटके हुए हैं, काफ़ी तो तैयार है पट्टे, जब जोनल आने का अनुमोदन हो जाए तो पट्टे जारी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें अजमेर संभाग में कुल मिला करके पट्टों वितरण का कार्यक्रम अच्छा चल रहा है।